डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का नाश्ता, जो कि ठंड में बहुत टेस्टी लगता है। आप रजाई में बैठ के गर्मा गर्म ये नाश्ता एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे एनर्जी भी बहुत आती है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और सर्दी में इसकी जरूरत भी है। तो चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे और शक्कर के परांठे को बनाने के लिए हम सबसे पहले गेहूं का आटा लगाएंगे। इसमें मेजरमेंट नहीं है, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, आप जितना बनाना चाहते हैं उतना आटा ले सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने लिया है गुनगुना पानी, इसे हम गुनगुने पानी से लगाएंगे ताकि जो परांठा है हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। आटा जो है वो जितना सॉफ्ट लगेगा परांठा उतना ही अच्छा बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट आटा गूंथा है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है, लेकिन हमने करना क्या है, थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करेंगे और एक बार इसे इस तरह से गूंथ लेंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए। ये प्रोसेस जो है मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि कभी भी आपने रोटी बनानी हो तो इससे रोटी बहुत नरम बनती है, आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट आटा हो गया। 10 मिनट रखने के बाद आप एक मिनट के लिए इसे दोबारा गूंथ लें तो ये आटा हमारा बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। तो अब हम परांठा बनाना शुरू करते हैं। आटे की एक लोई बनाएंगे। सर्दियों का बहुत ही अच्छा ये परांठा है, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। सूखा आटा लपेटा है, थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे, हल्का सा। ये हमने हल्का सा आटे को बेल लिया है। ये हमने शक्कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर आपके पास शक्कर ना हो तो आप गुड़ लेके उसे ग्रेट कर सकते हैं। तो वैसे ये शक्कर आपको किराना स्टोर पे बड़े इजीली मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने शक्कर को आटे के ऊपर रख लेना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है और सर्दी के अंदर बहुत अच्छी भी होती है। इस तरह से हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लिया है और एक पोटली सी बना लेंगे इस तरह से। और मैं बताना चाहूंगी कि इस परांठे को हम देसी घी में बनाएंगे, क्योंकि देसी घी के अंदर इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है और सर्दियों में ये बहुत अच्छा रहता है। इसे हमने बेलना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बेलना, यानी बहुत पतला नहीं करना, हल्के हाथों से हमने इसे बेलना है और थोड़ा थोड़ा हम इसे मोटा ही बेलेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा सा मोटा ही बेला है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना परांठा जो हमने बेल के रखा है। फ्लेम हम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। अब हम करेंगे दूसरे तरीके के साथ। मैं दो तरीके से आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों से ये स्टफ नहीं बनता, उनसे फट जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप वो तरीका अपना सकते हैं। तो ये मैंने छोटी छोटी दो लोइयां तैयार कर ली हैं और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। एक तरफ से ये बन के तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये परांठा बन के तैयार हुआ है। जब तक हमारा ये परांठा बनेगा, हम दूसरी जो लोइयां हैं वो हम तैयार कर लेते हैं, यानी दो रोटी बेल लेते हैं। ये हमने एक रोटी बेल ली है, इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। इस तरह हमने दूसरी तरफ भी पलट दिया है और इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इस तरह से घी लगा के हम इसे एक बार दोबारा पलट देते हैं, जैसे हम परांठा तैयार करते हैं। फ्लेम हमने लो कर दी है और ये परांठा जो है हमारा बनके तैयार। तो ये शक्कर का परांठा है, ये जला नहीं है, लेकिन ये शक्कर का परांठा है तो इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और लगा देंगे। सर्दी के अंदर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, डिनर के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, रात के टाइम इसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम दूसरा परांठा तैयार करते हैं। अब इस रोटी के ऊपर हम इस शक्कर को फैला देंगे। अब इसके ऊपर अजवाइन डालेंगे और दूसरी रोटी को इसके ऊपर डालते हुए हल्का हल्का हम इसे प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो आप हल्का हल्का इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पानी लगा के इसे चिपका भी सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड से हमने इसे हल्का हल्का फोल्ड कर दिया है और तवा हमारा गर्म हो गया है और इसे हम ऊपर डाल देंगे। हल्का हल्का घी लगाते हुए साइड इसको परांठे की तरह हमने तैयार कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे। थोड़ा सा घी को साइड पे गिराते हुए हमने इस परांठे को तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये परांठा बनके तैयार होता है। इसमें आपको एक फायदा है कि बिल्कुल भी इसके अंदर से जो शक्कर है हमारी वो मेल्ट होके बाहर नहीं आएगी और बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। मतलब ये परांठा हर एक से बन जाता है, जिसको नहीं आता बनाना वो भी इसे इजीली बना सकता है। कुछ लोग स्टफ नहीं बना सकते तो उनसे ये परांठा बहुत इजीली बन जाएगा। तो सर्दी के अंदर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा परांठा बनके तैयार है। ये मेरा गेहूं के आटा शक्कर का परांठा
का दोनों तरह का बनके तैयार है। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वही तरीका बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप सर्दियों में बनाएं और एंजॉय करें, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।